वैसे तो नकली पुलिस अधिकारी के किस्से कई बार आपने सुने होंगे, लेकिन इंदौर में एक फर्जी महिला एसडीएम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला इतनी शातिर थी कि लंबे समय से कई विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। कुछ दिन पूर्व इंदौर क्राइम ब्रांच को एक पीड़ित द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें नीलम पाराश्वर नामक एक महिला द्वारा फर्जी एसडीएम बनकर कई लोगों के साथ ठगी की बात सामने आई थी। वहीं फर्जी एसडीएम महिला इतनी शातिर थी कि उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। जांच के बाद पुलिस ने इस शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी एसडीएम नीलम पाराश्वर द्वारा कपड़ा व्यवसायियों के साथ भी ठगी की गई है। वहीं महिला बाल विकास और राज्यपाल मंगू भाई के नियुक्ति पत्र के साथ अन्य विभागों में फर्जी लेटर जारी करने व नौकरी दिलाने की बात भी सामने आई है। इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल का कहना है कि महिला से पूछताछ की जा रही है और संभवतः उसने अब तक अपने पति के साथ मिलकर लाखों की ठगी कर चुकी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी एसडीएम को महिला थाने को पूछताछ के लिए सौंप दिया है। पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होने की उम्मीद पुलिस द्वारा जताई जा रही है। वहीं पुलिस की माने तो महिला नीलम पाराश्वर नामक एक अन्य अधिकारी इंदौर के समीप गौतमपुरा में एसडीएम रह चुकी है और असली एसडीएम का नाम भी नीलम पाराश्वर था। इसी कारण ठग महिला ने असली एसडीएम के नाम का इस्तेमाल कर इस तरह से ठगी की वारदात को शुरू किया था। यहाँ पर हमको जो है मेरे को एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई थी कि उसके द्वारा उसकी दुकान पर एक एसडीएम बोल के एक महिला के द्वारा शॉपिंग करी गई और फिर उसके बाद वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। इसके बाद जो इनके द्वारा पता किया गया और तो पता चला कि ये एक फर्जी गैंग है ये, और फिर जो है उसके बाद हमने इसमें केस को टेकअप किया और आगे पूछताछ में पता चला कि काफ़ी ऐसे लोग पीड़ित हैं जिनको अलग अलग कारणों से उनको झांसे में लेकर उनसे पैसे भी लिए गए हैं और अलग अलग तरीके से उनको ठगा गया है। और इस तरह से ये महिला जो है ये ऑपरेट कर रही हैं अपने को एसडीएम बता के। इसमें जो है अभी वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है।